गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। फाइलोजेनेटिक ट्री में हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और ये जो रिलेशनशिप होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। इसी में यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि आता है क्लेड। क्लेड का मतलब क्या होता है? क्लेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें हम सारे के सारे डिसेंडेंट्स देख रहे हैं और उनका हम कॉमन एंसेस्टर भी देख रहे हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर भी और उनके सारे के सारे डिसेंडेंट्स भी है। तो अगर फाइलोजेनेटिक ट्री में हमें ऐसी कंडीशन दिख रही है तो इसको हम क्लेड कहते हैं। आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो, जो ऊपर वाला है वो क्लेड है, वही जो नीचे वाले हैं वो क्लेड नहीं है। नीचे वाले क्लेड क्यों नहीं है? क्योंकि या तो उसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं दिया या फिर उसमें सारे के सारे डिसेंडेंट्स नहीं है। तो क्लेड का मतलब क्या होता है? सारे के सारे डिसेंडेंट्स और उनका कॉमन एंसेस्टर। क्लेड को ही हम यहाँ पर मोनोफाइलेटिक भी कह सकते हैं। इसी में भी सेम चीज आती है कि कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट्स होना चाहिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। मोनोफाइलेटिक के बाद एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर तो देख रहे हो लेकिन उस कॉमन एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट्स नहीं है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर तो है लेकिन उसके सारे डिसेंडेंट्स नहीं है। तो एंसेस्टर बट नॉट ऑल डिसेंडेंट्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बर्ड्स को यहाँ पर एव्स को इन्होंने अलग कर दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर होता है पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका आप रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं देख पा रहे हो, तो उसको हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। आप इस पिक्चर में ऐसी चीजें देख भी सकते। तो ऐसे हम यहां पर इन तीनों को एक पिक्चर में भी कंपेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हो तीनों के बीच में फर्क क्या है, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। आई होप गाइस आपको तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लेड क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक।